नमस्ते फ्रेंड, मेरा कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन चना मसाला। तो हमने यहाँ पे काबुली चना ले लिया है, तो इसको अच्छे से रात को हमने भिगा दिया था, ये अच्छे से फूल गया है। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है, वेट में बोले तो 100 ग्राम है, और इसे अच्छे से धो लिया है साफ पानी से। और साथ में लिया है 750 ग्राम चिकन, तो चिकन को भी अच्छे से धो लिया है और इसका पानी भी झाड़ लिया है। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा, ना ही देखा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। हमने यहाँ पे कुछ सामान लिया है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और एक टमाटर, इन सब चीज़ का पेस्ट बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छोले को उबाल लेंगे। हमने यहाँ पर कुकर लिया है, इसी में छोले डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसका ढक्कन कवर करके 5 सीटी लगाएंगे। तो अभी हम मिक्सी के जार में पेस्ट बना लेते हैं। लहसुन डाल दिया है और अदरक, साथ में हरी मिर्च। टमाटर के छोटे छोटे पीस करके इसे भी डाल देते हैं, साथ में एक प्याज भी डाल लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो हमने सारी चीज़ का पेस्ट बना लिया है, ये देखिए कितना अच्छे से पेस्ट बन गया है, एकदम स्मूथ। हमने पानी नहीं डाला है, प्याज और टमाटर के पानी से ही अच्छे से पीस गया है। तो मैंने एक साथ में सब कुछ पीसा है, आप चाहे तो अलग अलग भी पीस सकते हैं। तो इसे साइड में रख देते हैं। मैंने कुकर को दूसरी तरफ रख दिया है और यहाँ पे हमने कढ़ाई रखी है, तो इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई है, अभी हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। इसमें हम चिकन बनाएंगे, जब तक यहाँ पे छोले भी उबल रहे हैं तो तेल को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। सीटी हो गई है, अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने तड़के के लिए कुछ सामान लिया है, दालचीनी, तेजपत्ता और हरी इलायची, एक सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, जीरा, एक पीपर। तो इसे सब चीज़ को डाल देते हैं। हम मिर्च को तोड़कर डाल दिया है। अभी जो हमने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ना, उसे डाल देते हैं। सब चीज़ को अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को। फिर इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। तो अभी हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसलिए डाल रहे हैं कलर के लिए, और हमने हरी मिर्च का यूज किया है। सब चीज को अच्छे से भून लेते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं। तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अभी हम चिकन को डाल देते हैं। Thank you.
चिकन को भी मसाले के साथ में अच्छे से भून लेंगे। एक बार ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अभी हम इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनेंगे, ढकेंगे नहीं। 3-4 मिनट इसी तरीके से खुले में पकाएंगे इसे, चिकन के अंदर अच्छे से मसाला चला जाए। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, इसका पानी सूख गया है, बस इसका तेल बचा है। ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसकी भुनाई करी है, ये बहुत अच्छे से भुन गया है। चिकन मसाले के साथ में बहुत अच्छे से लिपट गया है, तो ये बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अभी हम छोले को डाल देते हैं, इसका प्रेशर भी खुल गया है। ये बहुत अच्छे से पक गया है। गरम है अभी, आप देख सकते हैं। पानी समेत डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। एक बार ढक्कन को खोल करके इसे देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये पक गया है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी करा है, तो इसे डाल देते हैं। कोशिश करें गर्म पानी ही डालें, इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा और टेस्ट भी कम नहीं होगा। तो अभी हमने पानी हिसाब से डाल दिया है ग्रेवी के। पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यकीन मानिए फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप एक बार बना लेंगे तो बाहर से होटल से कभी नहीं लाएंगे। एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो इसे ढक देते हैं कम से कम 5-7 मिनट के लिए। तो हमने अभी फिर से खोला है, 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। पहले हमने कम नमक डाला था, छोले में भी नमक था, थोड़ा सा मुझे कम लगा इसलिए थोड़ा सा और डाल दिया। अभी इसे ढक देते हैं, पकने देंगे। अभी इसको एक बार चेक करेंगे। अभी हमारा 1 ही मिनट हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं, उससे पहले ही उबाल आ गया था इसमें, क्योंकि हमने गर्म पानी डाला है ना। तो अभी इसे ढक देते हैं। 1 मिनट हो गए हैं, एक बार ढक्कन खोल कर चेक कर लेंगे। ये अच्छे से पक गया है, और चिकन को भी एक बार चेक करेंगे। चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चीनी, चीनी टेस्ट को बैलेंस करती है। अभी डाल देते हैं छोला मसाला, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर हमने गरम मसाला नहीं डाला। और लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ा सा घी। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, हम ढक्कन खोल कर देखते हैं। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, आप देख सकते हैं। इस तरीके से चिकन चना मसाला बनाएंगे तो बाहर से कभी नहीं लाएंगे। यकीन करिए फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें चने का भी स्वाद आएगा और चिकन का भी स्वाद आएगा, तो एक बार तो बनता है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।